तहलका मच गया मेरे भाई, तहलका जिसका सभी को इंतजार था मेरे भाई, तहलका मच गया है। और तहलका ऐसा वैसा नहीं मचा है, क्योंकि इस बार स्ट्राइकर कंपनी ने काफी टाइम बाद मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जो कि अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, थंडरबॉल्ट। जो कि आप सामने की तरफ देख रहे हो, तो भाई इसके प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जाकर चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देख रहे हो। यू लाल सा जो बटन देख रहे हैं इस पे थोड़ा सा यार प्यार से हल्का सा हाथ मार दिया करो भाई, लेकिन यू लाल सा बटन दब जाना चाह भाई। इतनी मेहनत हम करते हैं आप लोगों के लिए यार, थोड़ा सा तो आप लोगों का भी बनता है, क्योंकि मैं अभी काफी टाइम पहले एनालिटिक्स देख रहा था भाई, बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा है मामला। मतलब अनसब्सक्राइब जो मेरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर है वो बहुत कम देख रहे हो, तो रेशियो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसमिस हो रहा है मामला। तो भाई वो चीज़ें नहीं सहन होती, तो वो चीज़ें देख के ना थोड़ा सा मन खट्टा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो भाई काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने सोचा, मैंने यार कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है स्ट्राइकर कंपनी की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्राइकर कंपनी की तरफ से स्कॉचर आ चुका है, हॉकाई आ चुका है, और ये एक बोल्ड आउट था उनका, वो भी आया था, तो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड लॉन्च किए थे पहले। लेकिन गेम चेंजर ने आके सबकी धज्जियां उड़ा दी थी भाई, क्योंकि गेम चेंजर एक ऐसा मांझा है जो कि अभी तक मार्केट में सर्वाइव कर रहा है बहुत ही अच्छे रेशियो के साथ में। लेकिन ये प्रोडक्ट अभी जो आया है थंडरबोल्ट, क्या ये गेम चेंजर को यहाँ पे टक्कर दे पाएगा, या फिर उससे ऊपर निकलेगा, या फिर उससे नीचे निकलेगा, जो भी होगा आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके ओरिजिनलिटी क्या है, पूरी रिव्यू क्या है इसका प्रोडक्ट का, सारा डिटेल आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ में, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि भैया क्या नया आने वाला, क्या नया वाला। तो जो कि स्ट्राइकर की कंपनी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या इसकी खासियत है और किस तरीके से ये वर्क करेगा, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पेश है आपके सामने द थंडरबोल्ट। तो ये है आपका चहकता महकता, आपका खुद का थंडरबोल्ट। तो भाई कंपनी ने सामने की पैकेजिंग की यहाँ पे बात करते हैं, तो भाई यार ये देखिए आप, मतलब सामने की ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई एलईडी लाइट फिट कर दी है, कितना चमक रहा है भाई एकदम भाई साहब। और यहाँ पे देखो वो चीज़ इसमें भी है, मतलब लाइटिंग है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा चमक रही है। और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई पीछे से इसमें एलईडी वगैरह फिट करके इसमें भाई एकदम जगमगाहट सी कर दी हो। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रांडिंग की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्राइकर की यहाँ पे लेबलिंग देखने को मिल जाती है, स्ट्राइकर लाइक थंडरबोल्ट। अच्छा जी, तो सामने की यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे थंडर लिखा हुआ है, नीचे की तरफ बोल्ट लिखा हुआ है, और पीछे की तरफ एक आदमी ने इस बिजली को यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो मतलब ये थंडर बोल्ट इशारा कर रहा है कि अगर भाई मेरे से कोई बिड़ा तो मैं बिजली बनकर ऐसा करंट दूंगा कि वो दोबारा से यहाँ पे पतंगबाजी करना भूल जाएगा। तो वाकई में यार इस कंपनी ने इतना काम किया अपने इस ब्रांड के ऊपर, तो वो तो देखने के बाद ही पता लगेगा, टेस्टिंग के बाद ही पता लगेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सामने की यहाँ पे लेबलिंग यहाँ पे इन्होंने जो दी हुई है, तो इस पर क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है वो चीज़ देखने के लिए बहुत ही मैं उत्सुक हूँ भाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ सामने की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक स्टिकर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे बड़े वाला है, यहाँ पे इन्होंने छोटे वाला स्टिकर मेंशन किया हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। और स्ट्राइक लाइक थंडरबोल्ट करके यहाँ पे सामने को आपको बहुत खूबसूरत राइटिंग देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे थंडर लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से एक छोटा सा वो ही हमें आदमी जो कि यहाँ पे बड़ा इमेजेस में शो हो रहा है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक बोल्ट नाम से एक बहुत खूबसूरत राइटिंग देखने को मिल रही है, प्रोडक्ट ऑफ एसटीआर, पता नहीं यहाँ पे ऑल राइट रिजर्व करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो आप सब एक बार देख लीजिए कि इसमें मतलब क्या क्या ओरिजिनलिटी की पहचान है, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर धोखेबाजी बहुत होती है, मेरी वीडियो आने की देर नहीं होती कि उसकी कॉपी पहले हो जाती है, लेकिन ये इन प्रोडक्ट की कॉपी कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि इंडिया में बनते ही नहीं है, बाहर बनते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ में यह है कि भाई ये प्लास्टिक नहीं होते हैं, कोई इनको प्लास्टिक सोचने की गलती कर रहा है तो भाई वो करता रहे, क्योंकि किसी को अगर तुम समझाने जाओगे ना तो वो समझने की बजाय उस चीज़ में चार कमियां निकाल देगा। और मुझे यहाँ पे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक बार प्रूफ कर चुका, बार बार मुझे यहाँ पे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समझदार होगा वो समझेगा और जो नहीं है तो वे गधे ही सही है भाई, उन्हें गधे ही रहने दो, जिनको बोलना है बोलो खुल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाबा के दे आते हैं लाड़ ले, एक बार है समझाने का काम, बार बार नहीं है, ठीक है। तो जी स्ट्राइकर यहाँ पे खूबसूरत यहाँ पे एक लेबलिंग और देखने को मिलती है, और यहाँ पे एक बीच में एक खूबसूरत पट्टी देखने को मिलती है जो कि लिखा हुआ है स्ट्राइकर ओरिजिनल करके यहाँ तक ये शो हो रही है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ब्रांड इन्होंने लॉन्च कर दिया है भाई। अब भैया इसका मुझे ना ऐसा जी कर रहा है कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके इसके चीरहरण कर दूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा क्योंकि मुझे इसकी अनबॉक्सिंग तभी करूँगा तब मैं इसका टेस्टिंग करूँ। अब जल्दी से आप मुझे बता दो भाई मैं इसका टेस्टिंग कब लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पे तो सब्र ही नहीं हो रहा है।
जल्दी से कमेंट में बताओ भाई। और सबसे जरूरी चीज़ है, दो चीज़ यहाँ पे है भाई, ये जो मांजा है ये आपका आता है 24 mm में, ठीक है। इससे आप एक तवा, दो, डेढ़ तवा तक आराम से उड़ा सकते हो, पौनी अद्धी तो बहुत इजीली तरीके से उड़ जाएगी। और सबसे जरूरी चीज़ जो आपके दिमाग में रहती है कि भैया इसके अंदर कितना मीटर मांजा आता है, तो भैया इसके अंदर जो आता है वो आता है 4000 मीटर मांजा, क्योंकि ये बहुत ही, अब आप कहोगे इतने से गट्टू पे यार 4000 मीटर मांजा कैसे आ सकता है। मेरे भाई आप एक कॉटन की थ्रेड लेना, उसको इससे कंपेयर करना, आपको पता लगेगा कि ये कितनी बारीक होती है और वो कितनी मोटी होती है। हमारी कॉटन की जो थ्रेड होती है लाइक 1, 2, 3, 8400, वो भी 0.30-0.35 mm की होती है, ठीक है, तभी जाके वो इतने मोटे चरखे पे बनती है। ये बहुत बारीक होती है, तभी ये इतने चरखे पे चार ही ला जाती है आराम से। तो मैंने इसके आपको ओरिजिनल की पहचान बता दी है, इसके आपको मीटर mm बता दिया, कितने mm थिकनेस है डोर की, कितना मीटर मांझा आता है, ठीक है। बाकी इसके जो हम प्राइस की बात करें तो भाई प्राइस मैं यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइस सुनकर क्या पता यार यहाँ पे कुछ कंपनियों के कान खड़े हो जाए और वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा दे। तो आप अगर प्राइस जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन वीडियो में है। तो आपकी जो भी क्वेरीज आपकी माँ में सॉर्ट आउट कर दूंगा, जो भी मांझे से रिलेटेड हो, टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड हो, कुछ भी हो भाई, चारा जिंदाबाद अपना। वैसे तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बात करते हैं भाई, मिलने मिलाने की खूब बात करते हैं, और आते भी ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं कि वो मांझे से रिलेटेड ही बात करते हैं, लेने की रिलेटेड बात करते हैं, भाई कैसी भी भाईचारे से रिलेटेड बात खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे भाई ऐसे भी है जो अपना प्यार दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम है भाई हमारा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके मुझे DM कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यहाँ पे, सब भाई अपना खास है। और कैसा लगा आपको प्रोडक्ट भाई, कंपनी एक बार मुझे कमेंट में बताना कैसी इसकी लेबलिंग लगी आपको और कुछ किया। और हाँ एक चीज़ यार मैं बताना भूल गया मेरे भाई, कि जो ये ब्रांड है ना, ये स्पेशली भाई मतलब जो ढील लवर है हमारे भाई, ढील लवर वाले बहुत, मतलब उनके लिए तो भाई ज़बरदस्त होने वाला है वहाँ, ज़बरदस्त, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि शॉर्ट रेंज में जो आदमी पैंच लड़ाएगा इस वाले ब्रांड से। एक मिनट, जो मैं पहले इसका वो लाइट ऑफ कर, लाइट ऑन कर दूँ, इसका कांच दिखा दूँ मैं आपको, ताकि आपको मज़ा आए, क्योंकि बात भी करता रहूँगा फिर आपको इसका कांच भी दिखा दूँगा, ये वाला लाइट। हाँ जी, तो भाई इसका कांच भी देखते रहो। और कंपनी ने क्या बोला है, कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि शॉर्ट रेंज में खींच के मतलब के लिए मांझा तबाही है, और लॉन्ग रेंज में डील के मतलब के लिए जो कोई डील लवर है स्पेशली, बहुत ही ज़बरदस्त हमने काम करके दिया है, तो वो बंदा निराश नहीं होगा। तो भैया इसका निराशपन तो हम इसकी टेस्टिंग पे देख लेंगे कैसा निकलेगा ये, ठीक है जी। तो बाकी मांझे में आप काम देख सकते हो यार, कितना इन्होंने ज़बरदस्त काम करके दिया है, कांच देखिए कितना ज़बरदस्त भर भर के इन्होंने यहाँ पे, ओ तेरी भाई ये तो फाड़ देगा मेरी जान, देखिए मेरे भाई एक नंबर का भाई, एक नंबर का मेरे भाई, बिना नहीं एक नंबर का मेरे भाई, एक नंबर का ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त, ये देखो भाई गजब मेरे भाई गजब। बाकी मैं जो यहाँ से थोड़ा सा मैंने मांझा फाड़ा हुआ है यहाँ से, और यहाँ से जब मैंने हल्का सा ये स्ट्रेस पे मतलब यहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, तो मुझे स्मूथनेस वो जो कांटा है ना वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई इनका काम देख करके। बाकी देखते हैं कैसा निकलता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में इसकी टेस्टिंग के साथ में, तो तब तक के लिए गाइस जय भारत जय हिंद, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, सी यू।